नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। पिछले हफ्ते एक अजीब और विचित्र किस्म के मुकाबले की शुरुआत हो गई। क्रिप्टो करेंसी को भयंकर रूप से अपना चुके लोगों को जब यह पता चला कि सरकार शायद एक नया कानून लाने वाली है जिसमें कुछ निजी क्रिप्टो बैन कर दिए जाएंगे, फिर क्या होना था, सारी क्रिप्टो करेंसी एकदम गिर पड़ी, दाम धड़ाम हो गया उनका। लोगों ने जो पैसा लगाया था क्रिप्टो करेंसी में वो पैसा खोने लगे, हालांकि थोड़ा सा वो रिकवर भी हुआ है, लेकिन एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्रिप्टो रहेगा कि जाएगा। सरकार का मानना है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है और नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, और ये चीज प्रधानमंत्री खुद भी बोल चुके हैं कि गलत हाथों में ना पड़ जाए। तो आज मुकाबला में हमारा सीधा सवाल ये है, क्रिप्टो पर कोहराम बैन किया जाए या नियंत्रित किया जाए, निवेशकों के साथ कैसा सलूक किया जाए। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे आज के मुकाबला के मेहमानों का। रजत सेठी, आप एक अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, क्रिप्टो से जुड़े हुए जो मामले हैं उसको बहुत बारीकी से देखते हैं। आकाश जिंदल, आप भी एक इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इसकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा उसके इस विशेष पहलू पर बात करेंगे। रचना रानाडे पार्टनर हैं, रचना रानाडे एंड एसोसिएट्स की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत रचना जी। और आदित्य सिंह को फाउंडर हैं क्रिप्टो इंडिया के। ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है क्योंकि देश का युवा और बहुत सारे लोग क्रिप्टो से जुड़ गए, और जब उनको ये पता चला कि शायद ऐसा कोई कानून आ जाएगा जिससे निजी क्रिप्टो बैन हो जाएंगे, तो ऐसे में उनको थोड़ा सा दिक्कत हुई, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, रणनीति क्या बनाई जाएगी। तो मुकाबला का जो फॉर्मेट है, सब लोगों को शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए एक मिनट का समय दिया जाता है। मैं रजत सेठी जी पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, आपका एक मिनट अब शुरू होता है। संकेत जी, भारत सरकार पहले भी प्रयास कर चुकी है कि इस पूरे स्पेस को ढंग से रेगुलेट किया जाए, और अब समय आ गया है, स्पेशली जबकि वर्ल्ड कप में इतना प्रचार हुआ क्रिप्टो को लेकर कि अब सरकारें को सजग होना पड़ेगा ताकि निवेशक और जो खुदरा निवेशक हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर किया जा सके। मोटी बात यह है कि आज पूरे विश्व भर में करीब 6000 छोटे बड़े क्रिप्टो करेंसीज चलन में हैं, जिसमें से सिर्फ 2 या 3 ही स्टेबल हैं, बाकी सब तो सिर्फ स्पेकुलेशन के लिए आई है मार्केट में, और उसमें कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का भारी नुकसान हो सकता है, जिसका प्रभाव सरकार पे भी पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार इस समय एक फॉरवर्ड लुकिंग रेगुलेशन को लेकर आना चाहती है ताकि सेक्टर पे न्यूनतम प्रभाव पड़े, रेगुलेशंस का नेगेटिव प्रभाव पड़े, लेकिन जो छोटे निवेशक हैं उनके इंटरेस्ट को भी सिक्योर किया जा सके। जी आकाश जी, आपका एक मिनट। जी देखिए, मेरा ये मानना है कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाना चाहिए, रेगुलेशन बहुत जरूरी है। देखिए आज एक विचित्र बात क्या है कि आज किसी बैंक में 500 रुपए की आप एफडी कराते हैं तो वहां रेगुलेटर है आरबीआई। अगर बैंक समय पे इंटरेस्ट नहीं देता तो आरबीआई के पास कंप्लेंट हो सकती है। आज अगर 1000 रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्लान लिया जाता है तो वहां पे रेगुलेटर है आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। आज अगर मोबाइल का 150 रुपए का प्लान लिया जाता है तो वहां टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेटर के रूप में बैठी हुई है। 1000 रुपए के म्यूचुअल फंड यूनिट या शेयर लिए जाते हैं तो वहां सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी रेगुलेटर के रूप में बैठा हुआ है। तो मेरा यहां मानना है कि यहां पे एक रेगुलेटर होना चाहिए जो कि डूज एंड डू नॉट बताए सबके लिए। जैसे बाकी मार्केट जो रेगुलेटेड है, जैसे इंश्योरेंस में है, आईआरडीए बताता है कि जो इंश्योरेंस करवाने वाला आया है उसके क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज हैं। समय खत्म हो गया आकाश जी, वापस आएंगे आपके पास ताकि आप विस्तार से अपनी बात कह सकें। रचना रानाडे जी, मुझे लगता है रेगुलेशन तो बहुत ही जरूरी है। इसके पीछे मेरे 2-3 इंपॉर्टेंट कारण है। एक तो जो एक स्टैटिस्टिक्स पुल आउट हुआ है अभी कि अभी एक एवरेज इन्वेस्टर क्रिप्टो में है, उसकी एज 24 साल की है, एंड उस इंसान ने, जो 24 साल का इंसान है, उसने ना एफडी में ना स्टॉक मार्केट में, बट अपनी पहली लाइफ की इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में की है। तो अगर ऐसा देश के युवा लड़के और लड़कियां
विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, अगर ज्यादा ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे तो कहीं आगे जाके ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो सकता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, इसीलिए रेगुलेशन आना इंपॉर्टेंट है. आई गेस हमारे और एक गेस्ट ने भी अभी बोला था अबाउट आईपीएल मैचेस में जिस तरीके से क्रिप्टो को पोर्ट्रे किया था, कोई स्टार्स बोल रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ वेरीफाइड क्रिप्टो करेंसीज है, कोई बोल रहा है कि ये बहुत सेफ है. देखिए एडवर्टाइजमेंट में फर्क देखिए, एक जो क्रिप्टो एक्सचेंज एडवर्टाइजमेंट चला था वो बोलता है क्रिप्टो बहुत सेफ है, और एक जो अपना रेगुलेटर एडवर्टाइजमेंट चलाता है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, उस म्यूचुअल फंड्स के एडवर्टाइजमेंट में बोला गया कि इसमें भी वित्तीय जोखिम है तो आप आराम से इसमें इन्वेस्ट करें. तो ये दो अलग अलग इतने डिफरेंसेस है, इसीलिए मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं रेगुलेशन आना बहुत जरूरी है. एक है जिस पर नियंत्रण है, रेगुलेशन है, और दूसरी तरफ है कि कोई नियम नहीं, बिना नियम के कोई चीज चल ही नहीं सकती, सीधी सी बात है, और उसको इस चीज से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए कि क्या कर दिया सरकार ने. आदित्य सिंह, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप किस तरीके से देखते हैं? हम तो इसी तरह से देखते हैं कि रेगुलेशन होना चाहिए, और हम ये चीज तो 2017-2018 से हम यही बात कर रहे हैं कि रेगुलेशन होना चाहिए. कोई भी नया इनोवेशन होता है, कोई भी नई इंडस्ट्री आती है, उसमें दो पहलू होते हैं, अच्छी चीजें भी होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं. गलत काम करने वाले उसके मिसयूज यहाँ पर करते हैं, तो वहां पर गवर्नमेंट का हमेशा ये काम रहता है कि वहां पर वो जो है रेगुलेशन लेके आए. और अभी क्रिप्टो करेंसी स्पेस जिस तरह से बढ़ गई है, पूरी दुनिया में बढ़ी है, भारत में भी बढ़ी है, तो वहां पर एक ऐसा टाइम है जहां पर रेगुलेशन लाने का यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम टाइम ये रहेगा, ताकि अभी जब इनोवेशन का एक ऐसा टाइम चल रहा है जहां पर बाकी जो देश की जो वहां पर कंपनीज हैं वो नेक्स्ट क्रिप्टो के बड़े प्रोजेक्ट्स या क्या चीज हो सकते हैं, नेक्स्ट गूगल, नेक्स्ट फेसबुक के ऊपर काम कर रहे हैं, तो यहां पर इंडिया के अंदर भी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास भी कम से कम एक गाइडलाइन आनी चाहिए कि अगर क्रिप्टो के अंदर वो कुछ निवेश भी करना चाहते हैं या अपनी कोई नेक्स्ट बिग कंपनीज भी बनाना चाहते हैं तो एटलीस्ट एक गाइडलाइन और रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको यहाँ पर पता हो. तो रेगुलेशन की बहुत ज्यादा डेफिनेटली यहाँ पर नीड जो है अभी यहाँ पर है. जी जी, रजत सेठी, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ. देखिये, लगभग यहाँ सब इस बात को लेकर के सहमत है कि आप रेगुलेशन लाइए, लेकिन जब बैन या प्रतिबंधित कर देना या प्रोहिबिट जैसे शब्द जब एक कानून में इस्तेमाल होते हैं तो आपको लगता है वो माहौल खराब कर देता है. जैसे क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में आप बैन टाइप की चीज तो कर ही नहीं पाएंगे. नहीं देखिए, जो आप बोल रहे हैं टेक्नोलॉजिकली तो काफी इनफीजिबल है. अभी तक तो एक्सचेंज के माध्यम से लोग अलग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसी को खरीद बेच सकते हैं, लेकिन फ्यूचर तो है वो तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें कि एक्सचेंजेस का काम ही खत्म हो जाएगा, पीयर टू पीयर लेवल पे एक्सचेंजेस होना शुरू हो जाएंगे करेंसीज के. इसलिए टेक्नोलॉजी को कैचअप करना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. लेकिन मोटे तौर पे जितने भी बड़े अर्थशास्त्री हैं, चाहे वो रघुराम राजन जी हों, चाहे हमारे देश में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स हों, सारे लोग यही बोल रहे हैं कि अगर 6000 करेंसी हैं, इसमें कोई अगर 1-2 रुपए की कोई नई करेंसी लॉन्च करता है तो उसमें कोई निवेश करेगा क्यों, सिर्फ इस भावना से कि ये आज 1 रुपए का है, कल 1,00,000 रुपए का हो जाएगा तो मैं झटके में पैसा बना लूंगा. ये अपने आप में एक बड़ी फ्लॉड थिंकिंग है. कोई फाइनेंस में एक चीज होती है कि कोई फ्री लंच नहीं है. लेकिन क्या ये एक जो युवा इन्वेस्टर है जिसको मालूम नहीं है कि एक रिटर्न के साथ एक प्रोपोर्शनेट रिस्क जरूर होता है, अब सिर्फ रिस्क को आप इग्नोर कर करके इन्वेस्ट करते चले जाएंगे सिर्फ इस होप में कि ये कहीं ना कहीं जा करके आपको 1,00,000% रिटर्न दे देगा, 1,00,000% रिटर्न दे देगा, तो ये मूलभूत तौर पे ये गलत है. नहीं पर मैं रजत, इसमें एक बुनियादी सवाल ये है कि क्या सरकार को नहीं मालूम था कि क्रिप्टो करेंसी आने वाली है? क्या सरकार को ये नहीं मालूम था कि ये भविष्य होने जा रहा है? सरकार का पहला जो हमने देखा है ये 2016-17-18 में भी जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, जब सरकार ने इसको बैन कर दिया, मैंने तो सरकार की तरफ से ये भी सुना, उस समय बयान आ रहे थे कि ये एक तरीके का चिट फंड है. आपको लगता है कि हमारी सरकारी समझ में एक कुछ कमी थी कि हमारा पहला रिएक्शन था कि भाई बैन कर दो? उस समय अगर हम नियंत्रित कर लेते तो आज की डेट में बहुत ही परिपक्व किस्म का बाजार बन जाता क्रिप्टो करेंसी का भारत में. संकेत जी, ये कहना आसान है लेकिन ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो पल पल में बदल रही है. इसमें इतना इनोवेशन सिर्फ 2021 में ही हुआ है कि अगर आप 2020 में पॉलिसी सोचते भी तो वो आज रिडंडेंट हो जाती. तो मूल बात यही है कि सरकारों को कुछ तो सोचना चाहिए और एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि इसमें सारे रिस्क इनोवेशन के भी कवर्ड हो. एक आकाश जी, लेकिन अब टाइम आ गया है कि कम से कम बिल्कुल सबसे बड़ी बात तो आकाश जी मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्योंकि ये सब
तकनीक से जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ वित्तीय मामला नहीं है, ये तकनीक से भी जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में संसद में बैठे कुछ ऐसे लोग जिनको शायद पूरी तरह, और ये उनको मान लेना चाहिए कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के बारे में शायद उनको ज्ञान नहीं है या वो थोड़े से अज्ञान है, तो अगर आप कोई कानून बनाएंगे तो पहले आपको एक्सपर्ट्स को लाना पड़ेगा, ना केवल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पर टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी। आकाश, देखिए मेरा यहां ये मानना है सिकेत जी कि यहां रेगुलेशन आना चाहिए, रेगुलेटर होना चाहिए। जहां तक मेरे मित्र कह रहे हैं कि रेगुलेशन कैसे होगा, लेकिन मेरे हिसाब से रेगुलेशन भी जो है डायनेमिक होना चाहिए। रेगुलेशन में टेक्नोलॉजी है, अगर फाइनेंशियल एक्सपर्ट चाहिए, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट चाहिए, तो वो एक्सपर्ट्स होने चाहिए। मानता हूं कि जरूरी नहीं कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस को पूरी नॉलेज हो, लेकिन उसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट, फाइनेंस एक्सपर्ट्स, उसके अलावा ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, हर तरह के एक्सपर्ट्स जो है मार्केट में अवेलेबल है, उनके एक्सपर्ट से राय ली जाए, उनकी गाइडेंस, उनकी नो हाउ लिए जाए, उस हिसाब से रेगुलेशन बनाया जाए। टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही हैं, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आ रही हैं, जो इनोवेशन आ रही हैं उसके हिसाब से जो लॉज एंड रेगुलेशन है उसको डायनेमिक बनाया जाए। रेगुलेशन में भी डायनेमिक बात होती है कि रेगुलेशन को टेक्नोलॉजी के साथ साथ चेंजेस के हिसाब से अपडेट किया जाए, डायनेमिक बनाया जाए। देखिए आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो रेगुलेशन हमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाने ही पड़ेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो रेगुलेशन और रेगुलेटर बहुत जरूरी है, तभी जो है बहुत चलता। देखिए लोगों का करोड़ों लाखों रुपए इस पर लगा हुआ है, उसको हमें एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में तरीके से चलाना है। तो एक रेगुलेशन, रेगुलेटर जिनके पास हर तरह के एक्सपर्ट अवेलेबल हो, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हो, और साथ के साथ जो रेगुलेशन और लॉ हो वो डायनेमिक हो, वो होना बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो पूरी तरीके से बात करेंगे समाधान की, क्योंकि अगर कोई सरकार ये चाहे या कोई ये सोचे कि भाई बैन कर दो, हटा दो, वो हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से इस कानून में भी वो प्रावधान नहीं है, इसमें भी रेगुलेट करने की बात की जा रही है। तो रेगुलेट हो कैसे, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि आप कैसे रेगुलेट करेंगे, समाधान की ओर जाने के लिए जरूरी है ये मुकाबला। बने रहिए, अभी हाजिर होते हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मुकाबला के भाग दो में। मैं रजत सेठी आपसे शुरू करता हूं, आप अगर आप इजाजत दें रचना रानाडी जी से पूछना चाहता हूं। रचना जी, आप मुझे ये बताइए कि नियंत्रित करने के लिए भी तो कुछ सुझाव चाहिए होंगे, तो सीधा कानून लाने से पहले क्या सरकार के लिए ये नहीं बनता कि वो थोड़ा सुझाव ले ले कि कैसा रेगुलेशन आए? जैसे फर्ज कीजिए अभी ये बात बोली जा रही है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को प्रोहिबिट कर दिया जाएगा या बैन कर दिया जाएगा या प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब सोचिए जितने लोगों का निवेश है उसमें, वो कहां जाएंगे? तो मुझे इसके ऊपर ये ऐसे बोलना है कि सबसे पहले टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या है ये कहीं पे अभी तक डिफाइंड ही नहीं है बहुत अच्छी तरीके से। सो कोई भी जो ब्लॉकचेन के ऊपर जो किया गया ट्रांजैक्शन है वो अगर पब्लिक लेजर में बहुत सही तरीके से अगर विजिबल है तो ये प्राइवेट क्रिप्टो के स्पेस में ही नहीं आता है, प्राइवेट क्रिप्टो की डेफिनेशन में ही नहीं आएगा। अगर ये वाला डेफिनेशन उठाया जाए तो ना बिटकॉइन, ना ETH, ना कोई मैटिक है, ये कोई भी इस केस में प्राइवेट क्रिप्टो की डेफिनेशन में ही नहीं बैठेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इनके बारे में जानकारी उपलब्ध है। हाँ, अभी एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। हाँ। कि अगर आप ETH के अगर इथेरियम जो एक प्लेटफॉर्म है उसका टोकन है ETH, राइट? सो अगर आप ETH में लेन देन करते हो तो ether.io करके, etherscan.io करके एक वेबसाइट है। हाँ। वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो कि ये वॉलेट ने ये वॉलेट में इतने इतने पैसे ट्रांसफर किए। सो ये पब्लिकली विजिबल चीज होती है, इसमें कुछ ऐसे छुपाने जैसी बात नहीं है। सो
बिकॉज ऑफ दिस एस्पेक्ट इसको एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के डेफिनेशन में शायद नहीं बिठाया जाएगा। ये मेरा ये बहुत जरूरी बात है। आपका एक कहना है कि जो भी कानून आए सबसे पहले तो आप ये बताइए कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या है। Exactly. परिभाषित कीजिए। हर कानून की जो पहली शुरुआत होती है वो है परिभाषा। आपको लगता है ये परिभाषा स्पष्ट है अभी सरकार में? नहीं, अभी तक जितना भी मैंने कुछ पढ़ा है इस चीज के बारे में तो इसके ऊपर बहुत अलग अलग ओपिनियंस है, बट जो मेन अभी एक ये विंटर सेशन में जो कोई भी अभी एक प्रस्ताव रखा जाएगा उसमें तो अभी तक प्राइवेट क्रिप्टो ये क्या है ये कहीं पे भी डिफाइंड ही नहीं है। जैसे आपने बोला कि हर एक लॉ में सेक्शन 2 में जनरली हर एक चीज की परिभाषा लिखी होती है, तो सबसे पहला कदम यही होना चाहिए कि डिफाइन करेंगे चीजें, उसके बाद शायद क्लैरिटी और भी अच्छे तरीके से आ जाएगी। ठीक है, मैं आदित्य के पास आना चाहता हूँ। आदित्य, आपको क्या लगता है अगर हम नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए प्रथम कदम क्या हो और समाधान आप किस तरीके से देना चाहेंगे, सुझाव और समाधान? तो यहाँ पर जैसे हमने देखा है कि ये जो अभी ड्राफ्ट बिल है जो किसी ने अभी तक देखा नहीं है, इसका सिर्फ टाइटल और कुछ सेंटेंसेस हैं जो सबने देखे हैं, जिसमें लिखा है कि प्रतिबंध यहाँ पर करना चाहिए, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को प्रोहिबिट करना चाहिए। तो जितना मैं समझता हूं अगर आप देखेंगे 2019 के अंदर एक अभी तक कमेटी बनी थी, IMC कमेटी, जिसको सुभाष चंद्र गर्ग जी ने हेड किया था, तो वहां पर एक ड्राफ्ट बना था और वो ड्राफ्ट जो था बैनिंग का था कि आप क्रिप्टो करेंसी को बैन करो और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है उसको लेके आए। लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे क्रिप्टो का अडॉप्शन जो है 2020 के बाद यहाँ पर चालू हो गया। तो अगर आप देखेंगे वो जो ड्राफ्ट था वो एक बेस ड्राफ्ट हो सकता है जिसके ऊपर अभी भी काफी सारे अमेंडमेंट जो है यहाँ पर करे गए हैं। और जो प्रतिबंध की बात आ रही है अगर आप देखेंगे उस IMC ड्राफ्ट के अंदर वहां पर ये मेंशन किया हुआ है कि ऐसी कोई भी करेंसी जो सेंट्रल बैंक ने या फिर गवर्नमेंट ने इशू नहीं करी है उसको वो प्राइवेट करेंसी मानते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्रिप्टो स्पेस के अंदर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को हम ऐसा मानते हैं जिसमें आप ट्रैक नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट पे ऐसी कोई भी करेंसी जो किसी और गवर्नमेंट ने इशू नहीं करी उसको प्राइवेट मानते हैं। तो वो एक कंफ्यूजन है जो यहाँ पर है। एंड उसके अकॉर्डिंग जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो टाइटल मेंशन है और जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मेंशन है वहां पर भी जब लिखा है प्रोहिबिट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, ये तो हो सकता है ये उसी ड्राफ्ट में से पिक किया है। और उनका बोलने का मतलब ये है कि आदित्य अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखिये इसमें इसको लेकर के हमेशा एक असमंजस बनी रहती है कि क्रिप्टो है क्या, ये करेंसी है या ये एक एसेट है? अगर तो करेंसी है तो जाहिर सी बात है अगर कोई मुल्क या कोई देश उसके लिए जवाबदेह है तब उसको मान्यता प्राप्त होगी, लेकिन अगर एसेट है तो फिर उसको उस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। उसमें फिर आपके पास बाकी कई तरीके की एजेंसीज हैं, जैसे आपके पास सेबी हो गई या कोई और आप एजेंसी बना सकते हैं। तो आपको लगता है कि क्रिप्टो की भी परिभाषा लाना बहुत जरूरी है कि इसको आप रुपए की तरह करेंसी समझें या आप इसको एक शेयर की तरह या म्यूचुअल फंड की तरह एक एसेट समझें? हाँ, देखिए ये परिभाषा लाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है और जल्दी जब ये ड्राफ्ट एक बार पब्लिक होगा मोस्ट प्रॉब्ली ये क्लियर भी हो जाएगा। देखिए इंडिया में भी जितने लोग क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं या उसको बाय करके होल्ड कर रहे हैं कोई भी उसको करेंसी की तरह यूज नहीं कर रहा है। हमारी एग्जिस्टिंग इंडियन रुपी जो करेंसी है वो सफिशियंट है, बहुत अच्छा हमारा पेमेंट सिस्टम है। यहाँ पर बिटकॉइन जो है मेनली लोग जो बाय कर रहे हैं वो एसेट की तरह उसको बाय कर रहे हैं। अगर आप US में भी देखेंगे तो उसको कमोडिटी की तरह आइडेंटिफाई कर लिया बिटकॉइन इथेरियम को जो CFTC के अंडर आता है। तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगर यहाँ पर भी कमोडिटी एसेट की तरह देखते हैं तो सेबी के अंडर यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि अगर देखेंगे करेंसी की जरूरत यहाँ पर है भी नहीं इंडिया के अंदर, तो वो तो वैसे ही क्वेश्चन से बाहर यहाँ पर हो जाता है। ये एक बड़ी बात है। मैं आपके पास आना चाहता हूँ रजत सेठी, आपको लगता है कि कोई कानून लाने से पहले और उसको पास कराने से पहले एक समिति में सेलेक्ट कमेटी, अलग अलग संसद में समितियां होती हैं जिसमें बैठ करके इन सब चीजों पर चर्चा हो सकती है और ऐसी समितियों में एक्सपर्ट्स को बुला करके इन परिभाषाओं पर ध्यान दिया जाए कि क्रिप्टो करेंसी है कि एसेट है और दूसरी चीज प्राइवेट क्रिप्टो क्या होता है? आपको लगता है कि ये सारी चीजें स्पष्ट हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा वर्ग के लोग हैं, जैसे कि अभी रचना बता रही थी कि ये 24 वर्ष का एवरेज एज है इन्वेस्टर की, उसको ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं है। नहीं, ये बात जो है आपकी बात ठीक है, पार्लियामेंट को भी संज्ञान में लेना चाहिए और पार्लियामेंट की जो फाइनेंस कमेटी है जिसकी अध्यक्षता जयंत सिन्हा जी करते हैं, उस कमिटी ने भी अलग अलग स्तर के एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनके साथ डिस्कशन किया है, चर्चा की है। काफी लंबे समय से इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, स्पेशली जो फाइनेंस की पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने इसके ऊपर में डिटेल चर्चा की और अपनी रिपोर्ट भी फाइनेंस मिनिस्ट्री को दी है। साथ ही साथ हमें मालूम है कि जो ब्यूरोक्रेसी लेड कमिटीज बनी है SEGER की, उन्होंने पहले ही भी रिपोर्ट दी थी।
जो फरवरी में बिल आया था वो काफी हद तक आउटडेटेड बिल था, और प्राइम मिनिस्टर ने जब सिडनी डायलॉग में जो उन्होंने एक कमेंट दिया कि ये एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि भारत को इफेक्टिव रेगुलेशन के लिए बाकी इसीलिए रजत मेरा सवाल यही है, अब पता चले इतनी तेजी से तकनीक बढ़ रही है तो आप वित्तीय मुद्दों पर ध्यान देते हुए भले ही एक कानून ले आए तो फिर वो 3-4 महीने में या 6 महीने में साल भर में बेकार हो जाएगा या पुराना हो जाएगा, फिर आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं कि ये देखिए आज हम एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, कल को अगर ट्रांजैक्शंस एक्सचेंज से हट के डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की तरफ चला गया फिर तो ये इनोवेशन तो लगातार होती जा रही है और सरकारों को पहली बार उन इनोवेशन को कैचअप करने के लिए टेक्नोलॉजी में निवेश भी करना पड़ेगा। हाँ। और जो मैं बता रहा हूँ जो फाइनेंस कमेटी है पार्लियामेंट की, उन्होंने सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट से चीजों को नहीं देखा। हाँ। पर टेक्नोलॉजिकली भी समझने की कोशिश करें कि कहां तक हम रेगुलेट इफेक्टिवली कर सकते हैं। हाँ। और यहां तक इसीलिए आज भी जो कंक्लूजन आया, आज फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी एक वक्तव्य दिया कि भाई हम लोग इसको करेंसी तो किसी सूरत में भी नहीं देख रहे, एक लीगल टेंडर, सोना भी लीगल टेंडर नहीं है, चांदी भी लीगल टेंडर नहीं है, इसीलिए क्रिप्टो भी कोई लीगल टेंडर। तो भाई सीधी सी बात है, रजत की बात सुन करके और रचना की और आदित्य जी की और संभवतः आकाश जी की भी बात सुन करके ये है कि इसको क्रिप्टो करेंसी ना बुला के इसको आप क्रिप्टो बुलाइए और इसको सरकार इस तरीके से मान्यता दे कि जैसे आपने घर खरीदा या जैसे आपने सोना चांदी खरीद लिया या जैसे आपने शेयर बाजार में निवेश किया। वैन वैन टाइप की चीज की बात करने से पहले कुछ ऐसा किया जाए कि इसको आप नियंत्रित करने की ओर एक कदम उठाएं और सबसे पहले ये सुनिश्चित करें अपनी परिभाषाएं जो मुझे रचना की बात से समझ में आया, और दूसरी चीज एक ऐसी एजेंसी जिसमें ऐसे लोग हों जो ये जाने कि वो क्या करना चाह रहे हैं और कितनी जल्दी उसको बदल सकते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स इस पूरे मामले के। क्योंकि आप जान लीजिए कि आज की डेट में कुछ ऐसे लोग कानून बनाएंगे जिनकी एवरेज एज क्यों रजत 60 के आसपास होगी लेकिन इसका उपयोग वो लोग कर रहे हैं जिनकी एवरेज एज 24 के आसपास है, तो ये एज दिक्कत ना, उम्र दिक्कत ना बन जाए, इस तरीके का खुलापन दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्रिप्टो करेंसी में अब नहीं बुलाऊंगा इसको, अब ये मेरी सीख रही है इस कार्यक्रम के बाद कि इसको सिर्फ क्रिप्टो बुलाया जाए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से जिन्होंने इस मुद्दे पर बहुत कुछ बोला भी है और अब जो आगे सत्र आने वाला है उसमें भी संभवतः बोलेंगे।